अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीके गेमिंग जोन यूट्यूब चैनल। सो आज हम अगेन से एक चैलेंज खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023 में। और आज का हमारा ये चैलेंज है कि हमने बगैर कोई गाड़ी सेल किए डे वन को 30,000 प्लस अर्न करने हैं, और उसमें हमने गैम्बलिंग भी नहीं करनी, उसमें हमने ड्रैग रेस भी नहीं करनी, उसमें हमने कोई गाड़ी परचेज भी नहीं करनी, ना ही कोई गाड़ी सेल करनी है। और हमने डे वन को ही 30,000 प्लस डॉलर्स बनाने हैं। सो बढ़ते हैं आज की गेम की तरफ, और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा न्यू गेम का, न्यू गेम पर रादर देन कंटिन्यू पर। तो बिल्कुल एक न्यू गेम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डे वन से। सो न्यू गेम हमने क्लिक कर दिया। Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Okay, तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि हमें इस कंप्यूटर को एक्सेस करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से ये सारा कूड़ा करकट साफ करना है ताकि हम अपने ऑफिस को ओपन कर सकें और अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। ओके, तो यहाँ से सब कुछ हमने ट्रैश वगैरह इसका कलेक्ट कर लिया है। ओके, तो अब उसने कहा जी आप ओपन करें ऑफिस में ऑफिस को, और यहाँ पर अब हम कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कह रहा है नो वी नीड अ नेम फॉर अ बिजनेस टू चेंज द नेम, प्लीज़ ओपन द कंप्यूटर इन साइड द ऑफिस एंड गो टू ऑफिस एडिट मोड। तो हमने ऑफिस एडिट मोड में आना है, क्लिक 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 करना है, साइन एडिट करना है, और इसमें कोई सा भी आप नाम दे दें। मैं इसको जैसे एज यूजल पीके गेमिंग जोन नहीं, पीके ऑटोज के नाम से मैं इसको रखूँगा। इसका साइज़ फुल कर देते हैं, विड्थ इसकी मैक्सिमम कर देते हैं, कलर इसको ये दे देते हैं कॉर्नर से बिल्कुल, और इसको कर देते हैं अप। दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, आपने यहाँ से एग्जिट नहीं होना एज यूजुअल नॉर्मली ट्यूटोरियल को फॉलो करते, आपने सिंपली इस डिलीट पर क्लिक कर देना एंड देन स्टार्ट क्लिकिंग एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। ऊपर आप देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड पर डॉलर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। देर यू गो, तो इसको भी सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल, एवरीथिंग वी आर सेलिंग। सामने खड़े ये नहीं सेल कर सकते, ये डिफ़ॉल्ट है, बाकी आप हर चीज़ सेल आउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, देर यू गो। इसके बाद मैंने कितने बना लिए, 33,000, मतलब हमारा जो टारगेट है 30,000 प्लस का वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ से इसको भी सेल आउट कर देते हैं। देर यू गो। सो हमने तमाम चीज़ें सेल आउट कर दी। अब हम वापस आ जाते हैं नीचे। अब देखें यहाँ से मैं बाहर नहीं जा पा रहा, ये देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी मैं बाहर नहीं जा पा रहा, यहाँ से भी मैं बाहर नहीं जा पा रहा। बट अनफॉर्चुनेटली मे बी द डिवेलपर्स मिस्टेक, और क्या मैं यहाँ से आराम के साथ आराम से बाहर निकल रहा हूँ। तो बैक साइड पर उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आई डोंट नो क्यों, बट दे शुड पुट अ रिस्ट्रिक्शन। अब मैं वापस चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अब चूँकि ना ही कार मार्केट ओपन है, ना ही कोई ऑक्शन ओपन है, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाइंग ए कार फ्रॉम दीज नेबर्स। सो ये कितने की सेल कर रहा है, अब अगर आप देखें तो ये 62 की सेल कर रहा है और मेरे पास हैं 39। मैं अभी इसको ख़रीद नहीं सकता क्योंकि ये 39 मेरे पास अभी कम है, तो इस और दूसरा मैं अभी उसमें भी नहीं जा सकता ऑक्शन में भी, तो सॉरी ऑक्शन कह रहा हूँ मतलब गैम्बलिंग में भी नहीं जा सकता, गैम्बलिंग भी ओपन नहीं है। तो एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ये कौन सी है, एस्ट्रियन है, फियाट है, फियाट 500 मिनी है, ये 11,241 की है, ये बाद में हम ख़रीद सकते हैं, फ़िलहाल हम ये वाली गाड़ी ख़रीदते हैं। बल्कि मैं एक और नहीं इसको बाय कर लेते हैं, और इसको हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको गाड़ी को अंदर पार कर दिया, और इसको हम सेल पर लगाएंगे वेब पेज में जाकर। अब हमारे पास लिमिट नहीं है क्योंकि अभी हम उस जगह पर पहुँचे नहीं हैं, तो 99 करोड़, 99 लाख, 99,000, 99,999 की ये मैंने पुट ऑन सेल कर दी है। ठीक है, अब मैं वापस जाऊंगा, इधर से तो नहीं निकल सकता, बैक साइड से, बैक डोर, ये हमारा बैक डोर है इस गेम का।
तो यहाँ से हम वापस निकलेंगे और जाएंगे वापस से, बल्कि पहले इसको ट्यूटोरियल को कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि अब हमने कार तो लगा दी, तो यहीं से वापस आते हैं अंदर और इस को वापस ओपन करते हैं ऑफिस को, क्योंकि यही स्टेप रह गया था। ओके, अब मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ आसानी के साथ और मैं चलता हूँ नेबरहुड में और इस गाड़ी को हम अब ख़रीद लेते हैं, फिएट पेंटा को। बाय। क्योंकि अगर उस गाड़ी को मैं बार्गेनिंग वाला फीचर एक्टिव भी कर लेता तो मैं उसको ख़रीद नहीं सकता था। मैक्सिमम 50 तक उसने आ जाना था, उससे नीचे तो उसने नहीं आना था, 50 से नीचे। और मेरे पास पूरे ऑफिस को सेल करके सारी दीवारें उसकी सेल आउट करके मेरे पास 35,000-37,000 डॉलर बना था, तो उससे तो नहीं ख़रीद सकते। खैर, आप ट्यूटोरियल को कम्प्लीट करते हैं और हमारी जो पहले वाली गाड़ी है जो इससे पहले हमने परचेज़ की है वो सेल होगी 99,99,99,999 में। तो ये दूसरी भी इधर ही हम लगाते हैं, पार्क करते हैं इसको इधर और इसको भी सेल पर जैसे ही लगाएंगे हमारे पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल ट्यूटोरियल की है। देखिए यहाँ पर सिंस इट्स अ ट्यूटोरियल तो आप इसको सेल कर सकते हैं 12,363 की मैं लगाई है, लेकिन इतने में हम सेल नहीं कर सकते इसको, हमें ज़्यादा ज़्यादा 3500 में सेल कर सकता हूँ। सो पुट इन ऑन सेल, जैसे ही मैंने लगाया यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे। देयर यू गो। और जैसे ही मैं गाड़ी सेल करूँगा रात हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो सुपरा नहीं ख़रीद सका, अदरवाइज़ अगर मेरे पास 50,000 भी हो जाते तो मैं उसको ख़रीद लेता। तो ये देख सके कितने हैं, इनको आप काउंट कर लीजिए कितने पैसे हैं और ये कहेगा द प्राइस फॉर मी आई शैल टेक इट। सो होंडा सिविक मैंने विसिक बेसिकली सेल कर दी इतने में। अब ये इसको इंग्लिश में कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं तो इसको मतलब करोड़ ही कहूँगा, 100 करोड़ ही कहूँगा, इतने में मैंने सेल कर दी। और साथ ही यहाँ पर रश पड़ गया, तो मुझे इस रश को कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ भाईजान, 3500 में मैं दे रहा हूँ, दे दो 3500। चलो अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और काम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आए, अपग्रेड्स में आए और टो स्लॉट्स ली, ठीक है। जैसे ही मैंने टो स्लॉट्स खरीदी मेरे पास स्किल्स पॉइंट आ गए 3। तो इन 3 स्किल्स पॉइंट की मदद से मैंने अपनी बार्गेनिंग को अनलॉक कर लिया क्विकली। अब मेरे पास स्किल पॉइंट 0 है, बट अब मैं इनके साथ अच्छे तरीके से बार्गेन कर सकता हूँ। सो 3500 मैंने मांगे हैं, वो 2900 दे रहा है, मैं इसको कहता हूँ भाई मुझे 3499 दे दो, 3499। तो ये अभी भी इतने में ही है, तो डोंट सेल इसको करते हैं, इसके पास चलते हैं, क्योंकि ये छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं इन पर छोटा ही मार्जिन होता है। तो ये 3000 दे रहा है, इसको मैं अगर 3200 ऑफ़र करता हूँ तो ये 3200 में ले लेगा इसको आसानी से, 3100 तो क्योंकि ऑलरेडी ऑफ़र कर रहा है। तो हमने ये गाड़ी भी सेल कर दी, ऑफिस को क्लोज़ किया और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। पहले तो 30,000+ डॉलर विदाउट सेलिंग और बाइंग एनी कार, दूसरा हमने 100 करोड़ जो है वो ऑलमोस्ट 100 more than 100 crore जो है वो अर्न कर लिए बाय सेलिंग 1 होंडा सिविक। सो ये था हमारा आज का चैलेंज नंबर 3। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैलेंज में। अगर आपके जहन में कोई चैलेंज है तो मुझे दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, बता सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट चैनल। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गेम प्ले, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।